ताज्जुब है मुझे, आप इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे सकती हैं? मैं अच्छी तरह से जानता था कि इस प्रोजेक्ट में पापा जी मुझे भेजने वाले थे, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ, आपने अपनी एडवाइस दे दी और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अरे बीच में बोलने की जरूरत क्या थी आपको? हाँ रोहान को भेज दो, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अपने गुस्से को संभाल के रखो, वक्त पे काम आएगा। कौन से वक्त पर? अरे आप इतने दिनों से एक ही बात कह जा रही हैं कि ये होगा वो होगा, मगर हुआ क्या? जितना बड़ा काम उतनी ही बड़ी मुश्किलें। अगर बड़ी मछली का शिकार करना है तो समुद्र के किनारे बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। ना मैं छोटे लोगों से बात करती हूँ, ना ही तुम्हारी तरह छोटा सोचती हूँ। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बड़ा सोचो। तो अब मुझे ये भी बता दीजिए कि वो कौन सी बड़ी मछली है जिसका आप शिकार करने वाली हैं? सिमरन। इतना आसान है नहीं जितना आसान आप सोच रही हैं छोटी सासू जी। जानती हूँ, इसलिए रोहान को दूर भेज रही हूँ। बेचारी सिमरन कुछ दिन अकेली रहेगी तो बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगी, और फिर मैं उसे इतनी दूर फेंक दूंगी कि चाहकर भी इस घर की चौखट की तरफ कभी रुख नहीं कर पाएगी। मान गए छोटी सासू जी, मान गए आपको भी और आपके शातिर दिमाग को भी। बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आई है इस बार आप। इसीलिए तो